हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P बी हैप्पी एंड आई एम प्रिया। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा DIY लेकर आई हूँ, डेट इज नाइट क्रीम। घर पे आप नाइट क्रीम कैसे बना सकते हैं, तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि नाइट क्रीम बहुत जरूरी है। इनके बाद एटलीस्ट आफ्टर 25 के बाद आपको नाइट क्रीम लगाना ही चाहिए रात में। वो जो हमारी स्किन पर प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग दिखने लगते हैं, या फाइन लाइंस रिंकल्स की जो प्रॉब्लम आ जाती है, या यहाँ यहाँ जो झाइयाँ दिखने लगती हैं, मतलब जो एजिंग के साइन दिखने लगते हैं कि हाँ आपकी एज हो रही है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको नाइट क्रीम लगाना ही चाहिए। बट जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और नाइट क्रीम खरीदना या उसको अफोर्ड करना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, तो क्यों ना हम वो नाइट क्रीम घर में बना लें। तो मैंने एक नाइट क्रीम घर में बनाया हुआ है, सिर्फ दो इंग्रीडियंट से। मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। ये देखिए, मैंने अपना नाइट क्रीम बनाया हुआ है एक ऑलिव ऑयल से और एलोवेरा जेल से। तो पहले मैं आपको जल्दी से ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स बता देती हूँ। ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर इफेक्ट हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है, इट इज बेस्ट एज अ मॉइस्चराइजर। फिर वो रिच होता है सारे विटामिन में, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के एंड विटामिन डी। विटामिन डी की जरूरत हमारी स्किन को बहुत होती है। फिर उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई आपको पता है आपके फेस के लिए कितना अच्छा होता है। विटामिन ई इज अ बेस्ट मॉइस्चराइजर। हम विटामिन ई के टैबलेट्स लेकर भी फेशियल्स में डालते हैं, तो इसमें बहुत एक्सट्रैक्ट जो होता है ऑलिव ऑयल का, डेट इज रिच इन विटामिन ई। तो विटामिन ई हमारी स्किन में जो प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग दिखते हैं, रिंकल्स पिंपल्स हो गए या जो एजिंग इफेक्ट्स दिखने लगता है, उसको ट्रीट करता है, सनबर्न को हटाता है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी हटाता है, और प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग से भी फाइट करता है, जो अनवांटेड स्कार्स हो जाते हैं उसको भी फाइट करता है। और एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, उसके साथ साथ जो अनवांटेड पिंपल्स रिंकल्स के जो निशान रह जाते हैं उनको भी क्लीन करता है। तो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है इसको बनाने के लिए, एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल। मैं बता देती हूँ मैंने कौन सा ऑलिव ऑयल यूज किया। मैंने यहाँ फिगारो ऑलिव ऑयल यूज किया है। इसमें 90% जो है वो ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट ही है, मींस विटामिन ई ही है, ये नेचुरल है, और जो 10% है दैट इज नेचुरल फैट है, और इसी का नेचुरल फैट है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप खरीदने से पहले देख सकते हैं। तो डेट इज फिगारो ऑलिव ऑयल, और मैंने किया हुआ है यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज किया हुआ है एज यूजुअल, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम वीडियो को देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया। होममेड नाइट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। फिर मैं वहां पर डालूंगी अप्रॉक्स 1 टेबलस्पून ऑफ फिगारो ऑलिव ऑयल। मेरी स्किन टाइप बहुत ही नॉर्मल है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है, तो मेरे लिए 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल इज इनफ। फिर अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑलिव ऑयल कम डाल लीजिए, अगर नॉर्मल है तो ऐसा ही कंसिस्टेंसी रखिए, और अगर ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर इसको ब्लाइंड करने पर हमको एक ऐसा क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। इस क्रीम को आप एयर टाइट बॉक्स में विदाउट फ्रिज भी 15 डेज स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी होममेड DIY नाइट क्रीम रेडी है। इसका टेक्सचर आपको हाथ में लगाकर दिखाती हूँ। ये है मेरी नाइट क्रीम जो मैंने बनाई हुई है वहां पर, ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट एक बॉक्स में रख रखा है, और ये जितनी बनाई हुई है ना उतनी अप्रॉक्स 15 डेज तो चल जाती है। अब ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में है। अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ, ये देखिए कितनी ईजी टू अप्लाई है, बहुत अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद, एक अच्छी लेयर हो जाती है। और सुबह उठकर आपको सिर्फ अपने लिक्विड वाटर से वॉश कर लेना है या फिर नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। अगर आपको नाइट क्रीम बनाना बहुत टफ लगता है कि कौन बनाए, कहाँ रखें, कहाँ स्टोर करें, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर ये वाली जो नाइट क्रीम है ना, ये बहुत अच्छी है आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, एज वेल एज फॉर नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशनल स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उसका एक और मेथड है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या करेंगे, जस्ट ऐसे करिए, थोड़ा सा ऑयल लीजिए, दिख रहा होगा आपको, और बहुत कम क्वांटिटी में आपको ऑयल लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, और ऐसे इसको ब्लाइंड कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया, और फिर आपको ऐसे अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे तब आपको लगेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑलिव ऑयल का कंटेंट कम रखिए, ऑलिव ऑयल को कम डालिए। ड्राई स्किन वाले ऑलिव ऑयल को उतना ही डाल सकते हैं जितना मैंने डाला। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इस क्रीम को बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक DIY कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए और
DIYs के लिए मैं आपके ऐसे ऐसे टिप्स देती रहूंगी. प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल. बाय बाय.